So hi guys, welcome back to my channel Make Up Your Dreams. I'm Ayushi, where I upload my fashion, beauty and lifestyle videos guys. So today's video is all about a collective haul and maine kafi jagah se shopping ki hai, alag alag brands se, you know, Instagram store se and much more guys. Let's get started with the video. So I shop different jagah se and you know kafi zyada sale chal rahi thi. Westside pe sale thi, Max pe sale thi and you know lots of अदर ब्रांड्स पे हर जगह पे सेल चल रहा था. सो मैंने सब जगह से कुछ ना कुछ पिक किया है. सो आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज. सो द फर्स्ट आइटम फ्रॉम वेस्ट साइड एंड आई शॉप फ्रॉम वेस्ट साइड. वहाँ पे ऑफर चल रहे थे कि बाय वन गेट वन फ्री एंड यू नो लॉट्स ऑफ अदर ऑफर्स. सो आई बॉट टू टॉप्स फ्रॉम देयर एंड मुझे वहाँ के क्लोथिंग आइटम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करती रहती हूँ वेस्ट साइड से. सो आई रियली लाइक उनका क्लोथिंग एंड यू नो फुटवेयर आइटम्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. सो द फर्स्ट आइटम विच इज़ आई ऑलरेडी वियर मैं कर चुकी हूँ आज एंड विच इज़ अ वाइट कलर का है एंड वेरी समरिश लुक दे रहा है बिकॉज ऑलमोस्ट समर आ चुका है. एंड दिस वन इज़ अ यू नो 3/4 स्लीव्स दे रखी है विच इज़ अ यू नो बैलून कट जो स्लीव होती है विच इज़ दैट. एंड इसका काफ़ी अच्छा यू नो मुझे नेक इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज वी नेक है प्रॉपर एंड यू नो मैं इसका पिक्चर अच्छे से इंसर्ट कर लूँगी सो आप यहाँ पे देख सकते हो. एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा समरिश लुक दे रहा है. सो ऑलमोस्ट विंटर ख़त्म हो चुका है एंड समर्स आने वाली है. सो उसके लिए मुझे लगा कि मैं विंटर का कुछ नहीं लेके बेटर है मैं कुछ यू नो समर का कुछ लूँ तो वो ज़्यादा मुझे यूज़फुल लग रहा था. सो आई बाय दिस वन एंड यू नो बाय वन गेट वन था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील मिल गई. आई जस्ट बॉट यू नो 600 में टू टॉप्स विच इज़ अ ग्रेट डील जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड मुझे इसका प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बहुत ही यू नो समरिश टाइप का है, फ्लावर्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो आई रियली लाइक दिस एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी लग रहा है. सो समर्स के लिए तो बेस्ट है ये. सो माई सेकेंड टॉप विच इज़ दिस गाइज. दिस वन इज़ अ पोलका डॉट का प्रॉपर प्रिंट है इसका एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे बिकॉज आजकल इस टाइप की प्रिंट काफ़ी ज़्यादा इन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. सो आई रियली लाइक दिस टॉप एंड इसका प्रॉपर अ फुल स्लीव्स है एंड यहाँ पे इसका एक बटन भी दे रखा है सो आप अपने अकॉर्डिंग इसको टाई कर सकते हो. एंड यू नो इसमें एक स्ट्रैप भी दे रखी है विच इज़ आप इसको यू नो 3/4 स्लीव भी बना सकते हो. सो आई रियली लाइक दिस. यू नो इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा ठंडा टाइप का है सो आई रियली लाइक दिस फैब्रिक एंड यू नो सो समर्स के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट टॉप है विच इज़ आई रियली लाइक. एंड इसका प्रॉपर जो है फ्रंट जो दे रखा है विच इज़ वी नेक आपको दिख रहा होगा तो ये प्रॉपर वी नेक का टॉप है एंड आई रियली लाइक बिकॉज मुझे मोस्टली वी नेक के टॉप ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज मतलब मुझे वो ज़्यादा कंफर्ट देता है. सो आई रियली लाइक वी नेक के टॉप एंड मुझे ये दोनों टॉप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे एंड दोनों ही काफ़ी डिफरेंट है. सो मैं सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते. सो द सेकेंड आइटम विच आई बॉट फ्रॉम अर्बन पॉइंट जो इंस्टाग्राम स्टोर है सो आई बॉट वहाँ से मैंने एक जंप सूट खरीदा था आई थिंक 2 to 3 months पहले बट यू नो मैं इसको हमेशा दिखाना भूल जाती थी अपने वीडियो में बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज. दिस वन इज़ अ जम सूट एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये जम सूट बिकॉज इसका लुक यू नो बहुत ही इंडो वेस्टर्न लुक है. इट्स लुक लाइक अ नीचे से आपको एक धोती वाला फीलिंग देगा एंड ऊपर से अ प्रॉपर जम सूट वाला फील देगा. सो आई रियली लाइक दिस एंड यू नो दिस जम सूट सूट्स फॉर एवरी वन एंड इसका कलर भी बहुत प्यारा है. यू नो पिंकिश एंड यू नो वाइब्रेंट पिंक जो नहीं होता है वो कलर है विद दिस हिंट ऑफ ब्ल्यू. सो आप देख सकते हो उसका प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड यू नो कैमरे पे भी बहुत ज़्यादा सुंदर कलर लग रहा है तो पहनने पे बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है इसका. एंड स्पेशली यू नो इट्स अ कॉटन मटेरियल तो इट्स वेरी अप्रोप्रिएट फॉर समर्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. बट द थिंग इज दैट गाइज कि आप इसको अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो, आप उनको यू नो डिफरेंट एसेसरीज के साथ उसको वेयर कर सकते हो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है उनके साथ. इसका जो स्लीव्स है विच इज 3/4 जो यहाँ तक आता है तो इसके बैक में जो आपको ऐसी कस दे रखी है आप इसको यू नो रैप अराउंड कर सकते हो अपने यू नो फिटिंग के अकॉर्डिंग. अगर आपको थोड़ा लूज भी है तो आप इसको यू नो ऐसा टाई कर सकते हो. प्लस आप इसके साथ एक बेल्ट भी वेयर कर सकते हो जो मैंने किया है जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको. सो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये एंड आप इस जंपसूट को स्टाइल कर सकते हो जूतीज के साथ, कोल्हापुरी चप्पल्स के साथ. सो माय थर्ड प्रोडक्ट विच इज़ आई रियली लाइक अलॉट एंड मुझे यू नो उस टाइम खरीदने का यू नो इतना ज़्यादा मन हुआ उसको एंड आई वॉन्ट टू वियर. आई रियली लाइक दिस टॉप एंड मैंने इसको वेयर किया था न्यू ईयर की पार्टी में. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्होंने ये देख लिया होगा बट जो मुझे नहीं करते सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज. वहाँ पे मैं अपनी डेली अपडेट्स डालती हूँ एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो यू नो ऑफर्स होता है कुछ भी होता है सो आई अपडेट देयर. सो प्लीज़ गाइज गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अपडेट समथिंग मोर अबाउट मी एंड अबाउट माई वर्क. सो माई थर्ड प्रोडक्ट विच दिस गाइज, दिस वन इज अ नियॉन कलर का पफ स्लीव मिलेगा विच इज़ लाइक दैट जो जिगजैग एंड यू नो पफ में दे रखा है
एंड ये पूरा लॉन्ग है. स्पेशली इस टॉप का यू नो जो सबसे ज़्यादा अच्छा है विच इज़ इसकी स्लीव, बिकॉज इसका स्लीव ही सब कुछ है इस टॉप का. बिकॉज इसका स्लीव बहुत ज़्यादा अच्छा है, पफी स्लीव है एंड फ्रंट में एक आपको बहुत ही अच्छा एक बेल्ट टाइप का प्रोवाइड करता है विच इज़ आई रियली लाइक. एंड इस टॉप की जो जान है, ये टॉप आपने देखा होगा बिग बॉस में जब शिफाली पगा ने ये टॉप पहना था, तो जो मैंने उनको देखा था ना, तो आई रियली ऑब्सेस्ड एंड आई वॉन्ट दिस टॉप. सो मैंने कैसे भी करके इस टॉप को ढूंढा एंड मुझे मिला एंड आई बॉट एंड आई रियली लाइक. काफ़ी ज़्यादा यू नो कम्फर्टेबल है, सो आई रियली लाइक. सो माई फोर्थ प्रोडक्ट विच इज़ आई रियली लाइक एंड आई थिंक आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, विच इज़ दिस गाइज. दिस वन इज़ अ हैंडमेड वॉलेट. सो आई एम फ्रॉम जोधपुर एंड यू नो जोधपुर में एग्जीबिशंस लगते रहते हैं. सो दिस टाइम एक एग्जीबिशन चल रहा है विच, सो एवरीथिंग सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस यू नो वॉलेट. सो आई रियली लाइक दिस एंड यू नो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. दिस वन इज़ अ प्रॉपर हैंडमेड वाला वॉलेट जो मैंने कभी नहीं देखा, यू नो मतलब आई डोंट नो इस मटेरियल को, आई थिंक जूट टाइप का मटेरियल है. सो प्रॉपर उस तरीके से ये प्रॉपर बना गया है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा विच इज़ आई रियली लाइक. एंड इस पे यू नो ऐसा एक जिप दे रखा है एंड देन इस टाइप का वॉलेट है ये नीचे, यू नो मतलब अंदर इसमें प्रॉपर अस्तर टाइप लगा रखा है पिंक कलर का. सो आई रियली लाइक दिस वॉलेट. वहाँ पे जितनी भी स्टॉल्स है सब वुमेंस ने लगा रखी है एंड जो वो लोग खुद से हाथ से बना रहे हैं, तो सबने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यू नो अपने आप को रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे. एंड मुझे वो देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज इट्स वेरी ग्रेट कि वुमेंस यू नो आगे आ रही है एंड यू नो अपने आप को यू नो प्रेजेंट कर रही है इस तरीके से. सो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई रियली लाइक. तो सबके काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टॉल्स थे, सो मुझे इस बार जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई वॉन्ट टू शेयर स्पेशली ये वाली बात बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उन्होंने ये काम किया है. सो इस वॉलेट की प्राइस 150 थी. सो आई बॉट नेक्स्ट ईयरिंग एक आंटी से वहीं से, तो दीज आर सो ब्यूटीफुल, बहुत क्यूट है. दीज आर आई थिंक 20-30 रुपीज़ के ये ईयरिंग्स थे एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है. सो दीज आर वेरी क्यूट ईयरिंग एंड यू नो इस पे छोटे छोटे सर्कल्स टाइप दे रखे हैं एंड उन्होंने ये अपने हाथ से बनाए थे. सो यू नो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगे. सो माई नेक्स्ट आइटम विच इज़ दिस गाइज, दिस वन इज़ अ काफ़ी ह्यूज बॉक्स है ये वाला. सो आई बॉट फ्रॉम तिजोरी. सो तिजोरी पे आपको फुटवेयर्स मिल जाएंगे, एसेसरीज मिल जाएगी, यू नो स्किन केयर मिल जाएगा एंड आई थिंक हैंड बैग्स एंड सब कुछ मिलता है वहाँ पे, क्लोथिंग आइटम. और ये समथिंग इसकी पैकेजिंग मुझे इसी तरीके से रिसीव हुई थी लाइक दैट, इस टाइप के बॉक्स में ही मुझे मिली थी. एंड ये समथिंग कुछ इस टाइप से ओपन होता है एंड मुझे कुछ इस टाइप से मुझे फुटवेयर्स रिसीव हुए थे जो आई रियली लाइक. सो गाइज दीज आर द फुटवेयर्स एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. सो दीज आर द यू नो अ प्रॉपर कोल्हापुरी वेजेस. आई एम यू नो ऑब्सेस्ड विथ वेजेस बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा हील्स में कम्फर्टेबल जो लगता है विच इज़ वेजेस, बिकॉज बहुत कम्फर्टेबल होती है और बहुत यू नो आप उसको लॉन्ग टाइम तक वियर करके रख सकते हो. आई नो आपको लग रहा होगा इसकी हील ज़्यादा है, तो इसकी हील है 4.5 एंड आई नो किसी को ज़्यादा भी लग रहा होगा एंड किसी को कंफर्टेबल भी होगा. सो मुझे ये कम्फर्टेबल ही लग रहा है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सही है. अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रही है तो आई एम सॉरी गाइज, बिकॉज बहुत सारा काम वाम चल रहा है यहाँ पे. एंड स्पेशली आई लव दिस कलर बिकॉज बहुत प्रिटी कलर है इसका, वाइट कलर एंड द ग्रे कलर. सो यू नो बहुत प्रिटी कलर मुझे लगा. सो इसका ओरिजिनल प्राइस था 2500-2600 बट आई बॉट आई थिंक 1200-1300 रुपीज़ समथिंग का कुछ था ये एंड आई रियली लाइक दिस फुटवेयर एंड यू नो इट्स की क्वालिटी, आई रियली लाइक दिस क्वालिटी यार, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड यहाँ पे यू नो प्रॉपर तिजोरी का जो सिंबल है एंड जो ब्रांड का नेम है विच इज़ यहाँ पे वो मैंशन भी हो रखा है. सो द नेक्स्ट फुटवेयर विच इज़ फ्रॉम ट्रिपल एस एंड मैंने रिसेंटली अभी एक और शॉपिंग की थी ट्रिपल एस से, बट दिस टाइम आई रियली प्रिटी अनसेटिस्फाई गाइज. यू नो मैंने काफ़ी बार शॉपिंग की है ट्रिपल एस से बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, बट इस टाइम पे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बोलकर. अगर मैंने कभी रिटर्न एक्सचेंज भी किया है तो मुझे प्रॉपर अप्रोप्रिएट वही यू नो जो मैंने साइज़ मांगा है या फिर जो कुछ भी मैंने बोला मुझे वही चीज़ रिसीव हुई है, बट दिस टाइम आई एम नॉट सेटिस्फाई एट ऑल गाइज, बिकॉज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहाँ पे. यू नो उनके अपनी सर्विसिंग पे थोड़ा काम करना चाहिए, मैंने पहले भी बोला है, बट वो लोग आई डोंट नो यार, वो लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं प्रॉपर. मतलब मैं थक चुकी हूँ लिटरली. मैंने कुछ और फुटवेयर मंगवाया था एंड मुझे रिसीव कुछ और हुआ है. सो मैं आपको दोनों की पिक्चर इंसर्ट करूँगी कि मैंने मंगवाया क्या था और मुझे रिसीव क्या हुआ है. मैंने वहाँ पे इतनी बार मेल किया है, मैंने इतनी बार उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, बट नो रिप्लाई, वो लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे. मुझे ये फुटवेयर रिसीव हुआ है वहाँ से जबकि मैंने मंगवाया ये वाला था, बट मुझे रिसीव ये वाला हुआ है बिकॉज आई रियली डोंट नो कि मतलब क्या है यार. आप अगर अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा करोगे
तो उसका क्या मतलब, आप एटलीस्ट अपना उनको प्रोडक्ट तो ढंग से भेजिए, क्योंकि हम भी लोग भी पे कर रहे हैं. बट अब तक यू नो ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है, बट अब तक उनका कोई मेल नहीं आया है, कोई रिप्लाई नहीं आया है. सो आई एम नॉट सेटिस्फाई एट ऑल इस टाइम पे. ट्रिपल एस, सो माई लास्ट प्रोडक्ट विच आई रियली लाइक एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, बट आई डोंट नो मैं क्यों नहीं ले पा रही थी, बट दिस टाइम आई वॉन्ट. सो दिस टाइम अभी मैक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल चल रही थी एंड मैंने वहाँ से ये बैग लिया है. दिस वन इज़ अ ब्लैक कलर का एंड यू नो काफ़ी सर्कुलर टाइप का है, जो मैंने इस टाइप का बैग कभी ट्राई नहीं किया सर्कुलर शेप का. सो फ्रंट में आपको इस टाइप से यू नो एक यू नो हैंड में भी आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो लाइक दैट. सो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये हैंड बैग एंड यू नो इट्स वेरी स्टाइलिश. आप यू नो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसको स्टाइल कर सकते हो अपने डिफरेंट डिफरेंट यू नो क्लोथिंग के साथ में. एंड फर्स्ट टाइम मैंने कुछ यू नो डिफरेंट शेप लिया है, प्लस इसका स्लिंग भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ब्रॉड है, तो ये काफ़ी एक यू नो एक अच्छा ट्यूनिंग दे रहा है. सो दिस वन इज़ काफ़ी ह्यूज बैग है ये और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. सो यू नो यहाँ पे आपको एक पॉकेट जाती है, तो आप इसमें कुछ भी अपना रख सकते हो समथिंग. एंड यहाँ पे यू नो आपको एक अच्छा खासा जिपर मिल जाता है ये वाला. सो बाय वन गेट वन ऑफर था, सो आई रियली लाइक दिस. इसका क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एक बहुत ही यू नो मतलब एक अच्छी क्वालिटी का है. अगर इसका ओरिजिनल प्राइस है विच इज़ 1300 एंड मैंने इसको ख़रीदा था आई थिंक 700 समथिंग का कुछ मैंने ख़रीदा था, थोड़ा थोड़ा करके अगर यू नो मैंने जो शॉपिंग की है विच इज़ दैट एंड ये सारा अ कलेक्टिव हॉल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है आज. एंड आई रियली लाइक ऑल प्रोडक्ट्स बिकॉज स्पेशली यू नो वो ट्रिपल एस का मुझे थोड़ा अनसेटिस्फाई लगा. आई एम प्रीटी सेटिस्फाई एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सब पे ऑफर चल रहे थे. सो अगर आपको इसमें से एक भी प्रोडक्ट अच्छा लगा है, सो प्लीज़ गाइस कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन एंड बताना कि आपको सबसे अच्छा एंड बेस्ट क्या लगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन गाइस फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़ के लिए. एंड आई लव यू.